तो दोस्तों बुलेट ट्रेन को लेकर अब यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जापान के साथ हम कॉन्स्टेंटली मीटिंग पे मीटिंग करते जा रहे हैं और रिसेंटली अब ये जो सिक्स्थ मीटिंग हुई थी यहाँ पर अब जल्द ही इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ट्रेन सेट्स जो जापान में बनाए जाएंगे और कुछ ट्रेन सेट्स भारत में बनाए जाएंगे इनको लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में भारत की तरफ से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके त्रिपाठी जी और वहीं जापानीज की तरफ से यहाँ पर जापानीज एम्बेसडर सतोशी सुजुकी जी मौजूद थे। और इस मीटिंग के दौरान यहाँ पर बातचीत हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर। भारत ने यहाँ पर साफ साफ कह डाला कि हमारे पास अभी लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, फटाफट से अब टेंडर फ्लोट कर देना चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक और बाकी के जो भी सिग्नलिंग सिस्टम है जो जापान में बनाए जाएंगे उनके लिए। फिर जब बात आती है ट्रेन सेट्स की, भारत को यहाँ पर कुल 24 रेड E5 सीरीज शिंकानसेन के ट्रेन सेट्स मिलने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम जापान में बनाए जाएंगे लेकिन 6 ट्रेन सेट्स को भारत में लाकर असेंबल किया जाएगा। सो, इसके ऊपर भारत ने भी जापान को साफ साफ कह डाला है। जापान ने पहले कहा था कि कावासाकी और हिटाची ये दोनों ही एलिजिबल है टू सप्लाई रोलिंग स्टॉक, लेकिन अब रिसेंटली इस मीटिंग के दौरान भारत ने कहा कि ऐसी सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है जहां पर ये दोनों ही कंपनीज साथ में आ जाए और जॉइंटली बिड सबमिट करते। प्रॉब्लम यहां पर ये जताया जा रहा है कि इससे हमारा ट्रेन सेट का प्राइस इंक्रीज हो सकता है और कॉम्पिटिटिवनेस वो काफी हद तक रेड्यूस हो जाएगा। सो, ये एक काफी बड़ा कंसर्न भारत की तरफ से रखा गया है। खैर, अब कैपेसिटी की बात करें तो हर एक बुलेट ट्रेन में 1300 से 1600 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के लिए इसे डिजाइन किया गया है, बट ऑपरेशनल किया जाएगा इसे 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। इन सभी बुलेट ट्रेन्स को काफी हद तक मॉडिफाई भी किया गया है। इनमें मल्टीपर्पज रूम दिए गए हैं जहां पर फोल्डेबल बेड्स, बैगेज के लिए एक स्पेशल रैक, फिर काफी बड़े बड़े मिरर्स, तो ऐसी सब सुविधाएं मौजूद है। अब फाइनली बात करते हैं टिकट को लेकर। सो, यहां पर एग्री किया गया कि सबसे कम मिनिमम फेयर जो होगा वो 250 रुपए ही चार्ज किया जाएगा, लेकिन जो एंड टू एंड फेयर है 3000 इसे रखा जाएगा। सो, ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर ज्यादा टिकट प्राइसेस को बढ़ाया नहीं जा रहा है। फाइनली वीडियो एंड करने से पहले अब यहाँ पर इसकी डेडलाइन को लेकर भी कुछ रिवीजन निकल कर आई है। कहा जा रहा है कि गुजरात के पोर्शन में इसे ऑपरेशन किया जाएगा बाय 2027, बट महाराष्ट्र में ये ऑपरेशन हो पाएगा बाय 2029। ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो 10 साल से ज्यादा लग गए देश में बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए एज अ कंप्लीट कॉरिडोर। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश चाइना को देखें, उन्होंने तो 10 सालों में अपनी मेजॉरिटी ऑफ सिटीज को कनेक्ट कर डाला। तो कहीं ना कहीं भारत में यहाँ पर पॉलिटिक्स और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट में एक काफी बड़ी रुकावट आ जाती है। वैसे इसे किस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।